अगर आप हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में रात्रि सफर करने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए आप अपनी जेब में ज्यादा पैसे रखने की तैयारी कर लें, क्योंकि सरकार ने रात में 50 किलोमीटर से अधिक सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर टेढ़ी नजर डाल दी है, यानी उसके रात्रि किराए में बढ़ोतरी कर दी है। फिलहाल हमने ये डिसीजन लिया है कि हम किराए का बोझ जो है अपनी जनता के ऊपर नहीं डालेंगे, मतलब जैसे जैसे रिव्यू करेंगे और बाकी प्लेयर के साथ, प्राइवेट प्लेयर के साथ भी बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फाइनल फैसला लेंगे। और जो आपने बेस प्राइस की बात की है, अब ये जब आप गाड़ी कहीं से शुरू होती है तो जो पहली टिकट कटती है वो 2 रुपए की है, तो अब 2 रुपए में तो कुछ भी नहीं मिलता, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की बात है, वो भी अभी चर्चा है, मगर अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये है हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री जीएस बाली का 31 जनवरी को दिया गया बयान। सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि किराया नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ दिनों में ऐसा न जाने क्या हुआ कि सरकार ने किराए में वृद्धि कर दी और नई योजना के तहत निगम की बसों में रात में चलने वाले यात्रियों की जेब पर डाका डालने का इंतजाम कर दिया गया। सरकार के प्लान के तहत रात में 50 किलोमीटर से अधिक सफर करने वालों को 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इधर अधिकारी किराए में की गई बढ़ोतरी के बाद सरकार और खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये पहले किसी समय में लगभग 8-10 साल पहले जो नाइट चार्जेस होते थे, बेसिक फेयर का 25% एक्स्ट्रा होता था, लेकिन इस बार क्योंकि बहुत तो अमाउंट बहुत बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर 400 रुपया किराया है और 25% अगर उसको ज्यादा देना पड़े तो 100 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है, लेकिन हम 100 रुपये नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने एक टोकन सा 20 रुपये लगाया है। और मुझे लगता है कि जो यात्री रात्रि में सेवा करते हैं, सारा दिन बचाते हैं, मुझे लगता है कि हमारी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उनको 20 रुपये देने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी। निगम प्रबंधन की माने तो विभाग अभी 800 करोड़ रुपए के घाटे में है और इसकी भरपाई के आंशिक रूप में हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत निगम अब हालत सुधारने के लिए जल्द ही दिल्ली की तर्ज पर वेट लीजिंग बसें चलाने की तैयारी कर रहा है, ताकि उसका खर्चा भी कम हो और बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल सके। इस स्कीम के तहत निगम बस मालिक को प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे देता है। इसमें ये स्कीम पहले भी कुछ वर्ष पहले भी चलाई गई थी और इसमें ये रहेगा कि हम अब कुछ किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे कि जो भी व्यक्ति इच्छुक होगा वो इसमें क्या नाम अपना हमें जो है टेंडर इनवाइट करेंगे, वो अपने हमें अप्लाई कर सकता है कि गाड़ी उनकी होगी, ड्राइवर उनका होगा, इंश्योरेंस वगैरह वो सारा उन्हीं लोगों का होगा और कंडक्टर लेकिन हमारा बैठेगा, पैसा भी हमारी तरफ से मिलता रहेगा और हमें भी HRTC को नई फ्लीट मिलेगी, हमें फायदा होगा। हालांकि सरकार के किराया बढ़ाने के इस कदम से निगम को प्रति माह करीब 1 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन निगम पहले ही हर महीने 8 करोड़ का घाटा सह रहा है। ऐसे में घाटे को पाटने के लिए सरकार यात्रियों पर और क्या बोझ डालती है, देखने वाली बात होगी। संजीव शर्मा, जी हिमाचल, शिमला। सरकार के कहर के बाद बात करते हैं कुदरत के कहर की। हिमाचल में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद अभी भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। शिमला के ऊपरी इलाकों के कई हिस्सों के साथ ही किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और डोडरा कवार के भी कई इलाके करीब 25 दिनों से प्रदेश के बाकी हिस्सों से कटे हुए। वहीं किन्नौर के कई ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 23 दिनों से बिजली व्यवस्था तक भी ठीक नहीं हो पाई है। साथ ही इन इलाकों में तापमान माइनस से भी नीचे जाने से लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हो गए। इस वक्त प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों के हालात सामान्य अभी तक नहीं हो पाए हैं, जबकि बर्फबारी हुए भी कई दिन हो चुके हैं। हिमाचल यानी हिमकांचल, जी हाँ, किसी भी प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं तो इसी उम्मीद के साथ कि बर्फ का भरपूर मजा लेंगे। कुछ जगह यहाँ ऐसी हैं जो अक्सर सैलानियों की इस उम्मीद पर खरी उतरती हैं, चाहे बर्फ गिरने का मौसम हो या ना हो। चलते हैं आज ऐसी ही एक जगह पर।
बर्फ से ढकी ये पहाड़ी है महासू पीक। राजधानी शिमला से कुछ किलोमीटर के फासले पर मस्ती से भरपूर ये नज़ारे अक्सर मार्च के महीने तक दिखाई देते हैं। वो महीना जब गर्मी दस्तक देने लगती है लेकिन यहाँ बर्फ रहती है। शिमला आने वाले सैलानी जरूर यहाँ आते हैं, लिहाजा ये बर्फ उनके लिए मजा तो यहाँ के कारोबारियों के लिए चांदी का काम करती है। इस बार जो स्नोफॉल हुआ काफी ज्यादा और अच्छा हुआ है, उससे जो यहाँ के लोगों को काफी अच्छा रोजगार भी है और जो जितनी भी स्नो की जो आइटम है उसे सब मतलब अच्छा चल रहा है और इससे लगता है कि आगे लगातार भी लंबा टाइम चलेगा। घुड़सवारी से लेकर स्कीइंग और इस तरह के कुछ और खेल यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बेहतरीन टाइम पास साबित होते हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कुफरी का और मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके मैंने स्नो राइड और हॉर्स राइडिंग है एंड स्की भी और ट्यूब राइडिंग है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा आऊँ यहाँ पे। कुफरी और सैलानियों की पसंदीदा इस तरह की और जगह ऐसी हैं जो हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। यहाँ बर्फ देखने आने वाले सैलानी ऐसे नज़ारों के लिए जेब ढीली करने के लिए कतई गुरेज नहीं करते। ऐसी जगह घोड़े वालों, स्थानीय गाइड से लेकर टैक्सी वालों और दुकानदारों के लिए रोजी रोटी का बड़ा जरिया है। श्वेता शांतल्ले, जी हिमाचल। तो ये बर्फ किसी के लिए सजा तो किसी के लिए मजा। आप नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख शहरों के तापमान पर।